नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज फूड। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी बना लेते हैं। आज हम बना रहे हैं मटका राइस। तो मटका राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हुए यहाँ पे एक कटोरी चावल। जितने आपको चावल बनाने हैं उतने आप चावल ले लीजिए। और चावल को 5 से 6 बार मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। और अब करेंगे गैस ऑन, और गैस पर रख देंगे हम छोटा वाला जो मिट्टी वाले मटके होते हैं उसको। मटके को पहले अच्छे से पानी से साफ कर लेना है, उस पानी को पोंछ देना है, फिर मटके को हम गैस पर रख देंगे। ये छोटा वाला हमने मटका लिया हुआ है, और आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप बड़ा मटका भी ले सकते हैं। तो मटका अब गर्म हो गया है, इसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम देसी घी। अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी वाले चावल बना रही हूँ। बेहद ही स्वादिष्ट, अच्छी खुशबू आती है घी वाली। तो अब तेल गर्म हो गया, इसमें डाल दिया है मैंने जीरा 1/2 चम्मच के करीब। जब जीरा भुन जाएगा तब इसमें चावल डालेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक टमाटर और उसको ऊपर से इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे कट लगा देंगे। टमाटर को बिल्कुल नीचे तक नहीं काटना है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ही कट लगाना है। तो इधर जीरा भी भुन चुका है, और अब इसमें हम डाल देंगे जो चावल हमने धोकर रखे हुए थे। तो लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए मटकी को गैस से उतार लिया है ताकि मैं इसमें आसानी से चावल डाल सकूं। उसके बाद मटकी को दोबारा मैं गैस पर रख दूंगी, क्योंकि कैमरे में वो फिर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको उतार लिया है। तो सारे चावल मटकी में डाल देंगे। मैंने लिए थे 1 कटोरी चावल, तो जितने चावल थे उससे 2 गुना हम पानी इसमें डाल देंगे, यानी कि 2 कटोरी पानी। 1 कटोरी चावल थे तो 2 कटोरी पानी हम डाल देंगे। इतना मेजरमेंट चावलों में काफ़ी होता है, जितने आप चावल लें उससे 2 गुना पानी आप डाल दें। तो 2 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक। तो 1/2 चम्मच के करीब मैंने नमक ले लिया है, और नमक को इसमें मिला देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी, मिर्च या कोई भी सब्जी काट कर अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो लेकिन सिंपल मैं व्हाइट राइस बना रही हूं तो वो मुझे ऐसे ही पसंद है। तो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और बाद में जो हमने टमाटर कट करके रखा हुआ था उसको बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, और ये अपने आप ही स्टीम से पक जाएगा। तो अब इसको ढक देंगे और गैस पर वापस रख दूंगी मैं। तो मिट्टी के ही मैंने इसके एक प्लेट से ढक दिया है इसको, और वापस मैंने गैस पर रख दिया है। और आंच एकदम धीमी रखी हुई है, एकदम धीमी। जो एकदम धीमा वाला बर्नर है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए जो भी आपका धीमा वाला बर्नर है या फिर एकदम धीमा कर दे बर्नर को, उस पर इसको पकाना है। तो बस अब इसको हम प्लेट से ढक देंगे, और 20 से 25 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हम इनको धीमी आँच पर पका रहे हैं। तो 20 से 25 मिनट के लिए हम इनको पकने देंगे, आँच को एकदम धीमा रखना है। 25 मिनट हो चुके हैं, और जो चावल हैं वो एकदम पक चुके हैं, लेकिन अगर आपके चावल कच्चे रह जाते हैं तो थोड़ी देर आप उनको और कुक कर लें, लेकिन धीमी आंच पर। तो चावल पक चुके हैं, लेकिन मटके अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए हम इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। मटकी अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो अब इसको हम गैस से उतार लेते हैं। तो गैस से उतारने के बाद जो चावल हैं वो अच्छे से भी पक चुके हैं, और ये टमाटर है ये भी अच्छे से पक चुका है। और अब इस टमाटर को अगर आप चाहें तो टमाटर की जो स्किन है उसको हटा सकते हैं, छिलके को हटा सकते हैं, लेकिन नहीं हटाना चाहते हैं तो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे पूरे टमाटर को चावलों में मिला देना है। इससे जो चावलों का कलर है थोड़ा रेडिश हो जाएगा, और बहुत ही प्यारा लगता है, और टेस्ट भी टमाटर वाला बेहद ही अच्छा लगता है। तो अच्छे से टमाटर को इसमें मिला देंगे।
और फिर हमारे मटका राइस खाने के लिए एकदम तैयार हैं। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर खाइए, बेहद ही स्वादिष्ट लगेंगे। चाय के साथ खाइए, कढ़ी, राजमा, छोले, जैसे आप इनको खाना पसंद करो, या फिर नॉर्मली भी आप जैसे ये हैं ऐसे ही इसको गर्मा गर्म खाइए, बेहद ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो ये थी हमारी मटका राइस की रेसिपी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और अच्छी सी, टेस्टी सी, इजी सी रेसिपी के साथ, और एकदम नई सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं और अच्छा खिलाएं। Okay, tata, bye-bye and take care.